नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। शेखपुरा जिले के मेहुस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जाने माने प्रत्याशी मुखिया चितरंजन सिंह ने कोरोना काल में भी अपनी भूमिका निभाने वाले अब जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं। गौरतलब है कि चितरंजन सिंह ने कहा कि रबुनु बीघा कुर्बनी चितौरा 5 साल में जनता जनार्दन मालिकों ने मौका दिए थे, जो कि धरातल पर है, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने राजो सिंह ने कहा कि 20 सालों में भी चितौरा गांव एवं दूसरे भी गांव में विकास नहीं हुआ था, मगर मुखिया प्रत्याशी चितरंजन सिंह के आने से सभी गांव में विकास हुआ है एवं विकास के नाम पर सभी ग्रामीणों ने वोट करेंगे। शिक्षित एवं अनुभवी परिवार से विलंब करते मुखिया जी को सभी गाँव से जनता जनार्दन से आशीर्वाद मिल रहा है। मेहुस पंचायत के लोगों से मुखिया प्रत्याशी चितरंजन सिंह ने प्रार्थना व्यक्त करते हैं, कहा है कि बचे हुए काम को पूरा करेंगे। काल में सर जो 20 वर्षों जो जिसने राज किया उसने ये 5 वर्षों में करके दिखाया, जो कि इसको 5 वर्षों में परेशान करके रखा था अगला मुखिया, उसके बावजूद भी इसने इतना काम करके दिखाया मेरे बारे में, जो कि नल जल आज तक कोई ने मेरे गांव में पानी के लिए भी कोई यहां गांव में जाता था गाली सुनता था, यहां जाता था तो वहां गाली सुनता, मगर आज सबके घर में पानी है, सबके घर में शौचालय है, सबके घर में जिसको जो भी चीज हुआ सबको सब चीज मिला, सबके घर तर रोड है, छठ घाट बना, जो भी कार्य हुआ ये 5 वर्षों में हुआ, जो कि 20 साल में भी धरातल पर कोई काम इतना नहीं कर पाया। किसको चुन रहे हैं? हम चितरंजन मुखिया को चुन रहे हैं और पूरी जनता चुन रही है कि जनता का तू है दुख भंजन, निश्चय जीत तेरा चितरंजन, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? विकास हुआ है, विकास हुआ, एक बार तो कहे फिर कह दोहरा देने के लिए कहिए, कहा काल नल जल योजना, पुल पुलिया, रोड सड़क, छठ का घाट, शौचालय, घर द्वार कितना को दिया बनवाया, किसको जीते? हम वृद्धा पेंशन, जवान पेंशन सबको दिलाया है। अभी किसको जिताइएगा आप? चितरंजन के जीते आप जीतेंगे। क्या नाम है आपका? हमार राजो सिंह। मैं मेहुस पंचायत के चितौरा गांव में है और मैं चितौरा ग्राम वासियों से आशीर्वाद लेने के लिए निकला हूं, और मैं दोबारा जब मुखिया बनूंगा मुझे जितना काम करने के 5 साल पहले जनता ने जो मौका दिए और जो काम करने के लिए हमें लिखित कागज़ दिए थे, हम 5 साल में वो पूरा किया। अब जो बचा काम है वो 5 साल समय हमें मिलेगा तो सभी बचे हुए काम को पूरा करूँगा।